इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो बैलेंस्ड बजट है उसके एक्सपेंशनरी इफेक्ट को बोला क्या जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि जो एमपीसी है, जो एमपीसी हमने ले रखा है वो 0.75 है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और समझ लो कि जो बैलेंस्ड बजट है उसका क्या मतलब है। बैलेंस्ड बजट का सीधा और साफ मतलब है कि जो डेल्टा जी होगा वही डेल्टा टी होगा, यानी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो टैक्स लगा के उतना ही रिसिप्ट के फॉर्म यानी रेवेन्यू के फॉर्म में उसे उतना ही मिल भी जा रहा है। तो सपोज करो कि अगर एमपीसी 0.75 यानी 100 रुपये का 75 रुपये खर्चा कर रही है और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है यानी डीजी वो 30 रुपीज़ है या 30 करोड़ है। उसी टाइम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगा रखा है डीटी इक्वल, वो भी उतना ही है 30 का ही है, तभी बैलेंस होगा। तो पहले हम एक काम करते हैं कि इससे देख लेते हैं कि एमपीसी दिए होने पर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उससे नेशनल इनकम में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो जो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर होता है यहाँ से जो चेंज आ जाएगा नेशनल इनकम में वो क्या होगा, डी वाई इक्वल डी जी अपान में एमपीएस, ठीक। तो जो नेशनल इनकम में चेंज आएगा वो आ जाएगा ये 0.75 है, यानी ऊपर इसको हम अगर करेंगे तो ये 100 और ये आपका हो जाएगा 25 है, यानी इनकम में कितने का इंक्रीमेंट आया, 120 का। गवर्नमेंट 30 का टैक्स भी लगा रही है, 30 का एक्सपेंडिचर भी कर रही है और 30 का टैक्स भी लगा रही है। तो हम ये चेक कर ले रहे हैं कि 30 का अगर टैक्स लगा रही है तो उससे नेशनल इनकम में क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जो मल्टीप्लायर हो नेशनल इनकम को या तो घटाएगा या तो बढ़ाएगा, यही करता है मल्टीप्लायर। तो टैक्स का हम चेक कर लेते हैं कि टैक्स के साथ क्या होता है। तो जो टैक्स मल्टीप्लायर है वो डी वाई बाई डी टी इक्वल माइनस सी अपन में 1 माइनस सी, यहाँ से हम देख लेंगे यानी जो नेशनल इनकम में चेंज आएगा। एमपीसी कितनी है, 0.75 और ये डीटी भी 30 है, एक्चुअली यही माइनस 30 है क्योंकि टैक्स लगेगा तो इनकम रिड्यूस होगी, तो इसलिए मैंने पहले ही लगा दिया है। और यहाँ पे एमपीएस की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.25 हो जाएगा, 25 3 जाए ये हो जाएगा डी वाई इक्वल 90, यानी अगर गवर्नमेंट 30 का टैक्स लगा रही है तो नेशनल इनकम में इतने का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इन द केस ऑफ बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनका ये मानना था कि अगर बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इफेक्टेड है तो उसने नेशनल इनकम में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, यानी वो न्यूट्रल के मोड में रहेगा, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वही जो केंजियन इकोनॉमिस्ट हैं और उनके फॉलोअर्स हैं उनका कहना है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो उसी चीज़ को फॉलो कराने के लिए ये चीज़ कैसे होता है ये एग्जांपल दिया गया है। तो एक तरफ अगर गवर्नमेंट 30 का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है और दूसरी तरफ 30 का टैक्स लगा रही है, तो एक साइड में नेशनल इनकम में 120 का इंक्रीमेंट हो रहा है और दूसरी तरफ में -90 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है, 30 का हो रहा है। तो जो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर है उसका इफेक्ट कैसा हुआ, एक्सपेंशनरी हुआ। तो इसलिए इसका आंसर ए है।